मध्य प्रदेश के दसाई चौकी प्रभारी आकाश सिंह ने कोरोना महामारी को लेकर क्षेत्र की जनता से एक विशेष अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग यह जो महामारी फैला रहे हैं उससे बचाव के लिए शासन व प्रशासन द्वारा जो सुझाव एवं निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें, घबराएं नहीं, अपने अपने घरों में रहें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और सभी हमारा सहयोग करें, हमें जानकारी दें ताकि हम आप सभी लोगों को इस महामारी से बचाने में मदद कर सके। बिना अति आवश्यक कार्य के घर से बाहर नहीं निकले और ना ही किसी को निकलने दें। अति आवश्यक कार्य से यदि आप बाहर जाते हैं तो मास्क लगाकर जाएं एवं घर में आने के पहले साबुन से अच्छे से हाथ धोएं एवं मुंह को धोकर किसी भी चीज को छुएं फिर अंदर आएं। वहीं चौकी प्रभारी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोई भी अपरिचित व्यक्ति आपके क्षेत्र में दिखाई देता है तो तुरंत उसकी सूचना हमें दें। वहीं दोबारा अपील करते हुए कहा कि घर में रहें, स्वस्थ रहें। सरदारपुर से संवाददाता दशरथ पाटीदार की रिपोर्ट। मैं उपनिरीक्षक आकाश सिंह, चौकी प्रभारी दसई थाना अमझेर। मैं आज सोशल मीडिया मीडिया के माध्यम से दसई क्षेत्र दसई चौकी दसई क्षेत्र के आसपास के गांव की जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में देश और पूरा विश्व जिस बुरे हालात कोरोना महामारी से गुजर रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है उसमें धार पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह एवं धार कलेक्टर श्री श्रीकांत बनोट जी द्वारा जनता को लिए जो भी गाइडलाइन दी गई हैं उन गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करें। एवं मैं पुनः एक अपेक्षा करता हूं कि दसई क्षेत्र की जितने भी जनता है उनमें जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, पत्रकारगण हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं एवं राजनीतिक दलों के जितने भी लोग हैं समझदार बुद्धिजीवी वर्ग, वो जनता को यह समझाएं कि इस बुरे वक्त में, इस बुरे हालात के समय में जितने भी लोग हैं वो पुलिस प्रशासन की मदद करें। यह प्रशासन का अकेला कर्तव्य नहीं है कि वो इस बुरे वक्त में अकेले लगे, हमारे जनता का भी सहयोग की आवश्यकता है। जनता के जितना सहयोग जनता करेगा उतनी जल्दी अपन कोरोना पे विजय पाएंगे। तो जनता को जो भी परेशानी है वो सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से मेरे तक पहुँचाएं और अन्य लोगों तक पहुंचाएं कि कोई समस्या है तो उन्हें फोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो भेजें कि जिससे उनकी समस्याओं का निपटारा किया जाए एवं अनावश्यक घर से ना निकलें। और मैं पुनः एक बार अपील करता हूं कि मुझे आशा है, पूर्ण अपेक्षा रखता हूं कि दसई क्षेत्र की जनता बहुत ही बुद्धिजीवी जनता है, वो पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे मुझे या पुलिस प्रशासन को कोई सख्ती से कदम उठाना पड़े। मैं जनता से यही आशा करता हूं कि जैसे भी समय चल रहा है शासन का प्रशासन का सहयोग करें और घर में रहें। घर में रहना, सजगता, स्वच्छता एवं समझदारी, यही कोरोना की जंग का मूल मंत्र है। जो भी गाइडलाइन दी है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्री कलेक्टर महोदय द्वारा उनका पालन करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.